एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी स्टडी। अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस है, वह सही तरीके से मेहनत कर रहा है, तो वह अपना विद्यार्थी होने का कर्तव्य सही तरीके से निभा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आता है कि हम ऑनलाइन स्टडी प्रिफर करें या ऑफलाइन स्टडी पर जाएं। दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना हम एज ए स्टूडेंट हमारे लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें वह चीजें दी जिसने हमें कभी हमने इमेजिनेशन नहीं किया था कि वह चीजें हमारे साथ होंगी। बात करें चाहे COVID-19 पैंडेमिक की, इसके आने के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन में एक बूम सा आ गया है, एक बूम आ गया है, और इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि क्या वह ऑनलाइन स्टडी प्रिफर करें या ऑफलाइन स्टडी को प्रिफर करें। आज हम जानने वाले हैं दोनों के ही डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, इन सारे विषय पर हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक सही क्लियर विजन मिले और कौन सा मीडियम आपको चूज करना है इसके लिए आप अपनी एक राय बना पाएं, अपने माइंडसेट को आप सेट कर पाएं। सबसे पहले जानिए, अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एजुकेशन की, तो आज के समय में हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड और एक न्यू मेथड, या हम कहें अपडेटेड मेथड। दोस्तों, अगर कन्वेंशनल मेथड की बात करें तो वो है ऑफलाइन मोड, जो कि हम अपने स्कूल जाते हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है, हम नोट्स बनाते हैं, हम घर आते हैं, हम कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, टीचर हमारे ऑफलाइन हमें पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं और फिर हम घर चले आते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वो चीज है जिसकी मदद से हम अपने गैजेट के थ्रू अपनी पढ़ाई को करते हैं, टीचर हमें ऑनलाइन मोड में एजुकेशन देता है और बहुत ज्यादा लोगों से एक बार में वह टीचर कनेक्ट हो पाता है, जबकि ऑफलाइन में ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं। ऑफलाइन में हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ, लिमिटेड बच्चों के साथ एक टीचर इंटरेक्ट कर पाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। दोस्तों, जहां पर ऑनलाइन आपको वाइड वैरायटी ऑफ टीचर्स देता है, यानी कि अगर मैं कहूँ आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपने एजुकेटर को खुद सेलेक्ट करते हैं कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, किस टीचर से आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, उन टीचरों को आप चूज करते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ च्वाइसेस होती हैं, चाहे वो हमारा स्कूल हो, हमारी कोचिंग हो, हम जिसे एक बार चूज कर लेते हैं हमें उससे ही पढ़ना होता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप अपने टीचर्स को स्विच कर सकते हैं, दूसरे अदर ऑप्शंस को आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि एक स्टूडेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव चीजें कौन सी हैं, यानी कौन सी, विच वन इज चीपर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेज कहीं ना कहीं हमें ज्यादा चीपर मिलते हैं। उसका कारण भी होता है कि ऑनलाइन जो एजुकेटर होता है वह उतनी चीजें नहीं करता जितनी ऑफलाइन वाले को अरेंज करनी पड़ती है। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन के अंदर आपको बहुत सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो टीचर कहीं ना कहीं उन चीजों को ऐड करके, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस उनको ऐड करके ज्यादा ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, जिससे कि वह सारे एक्सपेंसेस को बियर कर पाए। जबकि ऑनलाइन एजुकेटर जो होता है, ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है, उसमें आपको बहुत ही कम फीस दी जाती है। इसका कारण ये होता है कि वह अगर एक बार लेक्चर दे रहा है तो उसको सुनने वाले हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ आपको भी उतनी फीस नहीं पे करनी पड़ती जितनी कि आपको ऑफलाइन एजुकेशन लेते समय पे करनी होती है। दूसरी बात आती है डिसिप्लिन। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन एजुकेशन को लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते होंगे कि लेक्चर्स आपके पास 24/7 अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने कोई कोर्स परचेस किया तो मेरे दिमाग में आएगा कि यह वीडियो मुझे कोर्स की वैलिडिटी तक 6 मंथ 3 मंथ 1 ईयर तक ये चीजें मैं देख सकता हूं। तो एक तरह से मेरा जो डिसिप्लिन होता है, मेरा जो रूटीन होता है, वह कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। लेकिन अगर ऑफलाइन की बात करें तो आपको यह पता होता है कि आपको एक प्रॉपर टाइम पर जाना है, पर्टिकुलर टाइम पर आप नहीं जाओगे तो आपकी क्लास छूटेगी और आपको यह लेक्चर्स दोबारा देखने को, दोबारा सुनने को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपका टीचर अवेलेबल नहीं होगा और आप अपनी क्लास को छोड़ चुके हो। तीसरी बात आती है ऑनलाइन क्लास में कहीं ना कहीं आपके पास लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की भी समस्या होती है।
होता यह है कि हमें ये पता होता है कि हमारे पास ये लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 मिनट सुनने के बाद हम ब्रेक लेते हैं, फिर हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ऑफलाइन में हमें कॉन्सेंट्रेशन करना होता है, हमें कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन हमारे ऊपर होता है कि अगर मेरी क्लास, अगर मेरा स्कूल 7 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक है, तो मुझे हर हाल में हर क्लास को लेना है, 2 बजे तक मुझे अपनी क्लास में अवेलेबल रहना है, और इससे हम भाग नहीं पाते। जबकि ऑनलाइन में हमारे पास कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी होती है कि हम अपने लेक्चर को पॉज करें और जा करके अदर चीज़ों में भी इन्वॉल्व हम हो जाते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है पर्सनल इंटरेक्शन। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, कोर्सेज हैं, जिनके थ्रू आप पर्सनल इंटरेक्शन टीचर से कर सकते हो, थ्रू वीडियो कॉलिंग, थ्रू चैटिंग, मैसेजिंग। ऑफलाइन में आपका टीचर जरूर आपके ऊपर ध्यान देता है, लेकिन अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा बच्चे क्लास में होते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल्स में देखे जाते हैं, तो टीचर आपको पर्सनल टाइम नहीं दे पाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन का वेटेज ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात आती है टाइम सेवर। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम सेवर का काम करता है, क्योंकि मान लीजिए कि जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, मान लीजिए आप एक PCM ग्रुप के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, अगर आप PCM की क्लासेस अलग अलग टीचर से लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय ट्रैवलिंग में देना होता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आप अपने घर पर बैठे हुए जस्ट अ क्लिक में बिना कहीं गए जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको बचा करके अपनी स्टडी में आप लगा सकते हैं। अब बात आती है इजिली एक्सेसिबल। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस हमेशा आपके लिए 24/7 आपकी वीडियोस के फॉर्म में, लेक्चर्स के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल होती है। आप जिस भी एजुकेटर का कोर्स लेते हैं, परचेस करते हैं, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, उसके वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलते हैं। आप चाहें, जब आप चाहें, चीज़ों को आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, आपको अपनी हर क्लास का वेट करना होगा, आपको आपके टीचर का वेट करना होगा कि आप यहाँ पर जाएंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए प्रिफर करना चाहिए आपको इस चीज़ में। अगली बात आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों देखिए, ऑनलाइन क्लास में कहीं ना कहीं आपके अंदर कम्पिटेटिव स्किल कम होती है। उसका कारण ये होता है कि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और हमें पता होता है कि हमें कोई भी देख नहीं रहा, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया टीचर के द्वारा तो हम उसे अच्छे से सॉल्व नहीं करते। जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑफलाइन में आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि आप कुछ बच्चों के बीच में, 40 से 50 बच्चों के बीच में, 100 बच्चों के बीच में बैठ करके अपने आप को जब लगाते हो सवाल, तो आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कितने लोगों से आप आगे हो, कितनी आपको मेहनत और करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन में देखने को मिलती है। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको नो नीड ऑफ बैग्स, बुक्स एक्सेट्रा। दोस्तों, जब भी आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो अपनी किताबों को लेकर के जाते हैं, आप अपने बैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं, और जब आप ज़्यादा समय तक ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप क्लास लेते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक फैटिग का कारण पड़ता है, थकावट आपको होती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपने अपने गैजेट को ऑन किया, अपने टैब, अपने सेलफोन को ऑन किया, उसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, आपको पोर्टेबल फॉर्मेट में PDF मिल रही है, आप जाएं उसका प्रिंटआउट निकालें, उसको पढ़ें, ये आपके लिए बेनिफिट होगी। अगली बात आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लैक ऑफ राइटिंग स्किल। दोस्तों, जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें PDF के फॉर्मेट में मिल जाती हैं, चाहे वह नोट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो हमारे लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो कम होती चली जाती है। जबकि ऑफलाइन में हम टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, लिखते हैं, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट हमारी राइटिंग स्किल को, अंडरस्टैंडिंग स्किल को और लर्निंग स्किल को निखारता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन को पिक करने में आपको सहायता करेंगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार APN क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।